सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा के बारे में। आज हम इसी चैप्टर को, अध्याय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे वेश्यावृत्ति के बारे में। एक सामाजिक बुराई के रूप में वेश्यावृत्ति अति प्राचीन काल से प्रचलित रही है। वेश्यावृत्ति को यौन तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना गया है। इससे व्यक्ति का शारीरिक एवं नैतिक पतन होता है, उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तथा यह मानव के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में विष घोल देती है। इसीलिए इलियट और मैरिल ने परिभाषित करते हुए लिखा है, वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है। वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए 1956 में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया। फिर भी यह प्रकट और अप्रकट दोनों ही रूप में भारत में विद्यमान है। प्रकट समूह में वे वेश्याएँ आती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं तथा स्पष्ट रूप से वेश्यालय चलाती हैं। शहरों में ऐसे क्षेत्र को जहां वेश्याएँ रहती हैं लाल रोशनी क्षेत्र या रेड लाइट एरिया कहते हैं। अप्रकट रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां नौकरी या व्यवसाय के साथ साथ यह कार्य भी करती हैं। वर्तमान में बड़े बड़े शहरों के शराब घर, होटल, कैबरे स्थल, नाच घर तथा क्लबों में शिक्षित और उच्च घरों की लड़कियां भी इस व्यवसाय में लगी हैं। होटलों के मालिक, टैक्सी ड्राइवर, कैबरे नृत्य के संयोजक एवं अन्य दलाल अपना कमीशन लेकर इस कार्य में सहयोग देते हैं। वेश्यावृत्ति का एक रूप देवदासी प्रथा भी है। इस प्रथा के अनुसार लड़कियों को मंदिर में देवताओं की सेवा के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता है। ये लड़कियां मंदिरों में गायन एवं नृत्य का कार्य तो करती ही है, साथ ही पंडितों, पुजारियों एवं जमींदारों की यौन भूख बुझाने का कार्य भी करती हैं। गरीबी, विलासी जीवन व्यतीत करने की लालसा, स्त्री की आर्थिक पराश्रितता, पारिवारिक परिस्थितियां, विवाह विच्छेद, विधवा विवाह पर रोक, दहेज प्रथा, दुखी वैवाहिक जीवन, अनैतिक व्यापार, अवैध संबंध, असामान्य कामुकता एवं धार्मिक कारण लड़कियों को वेश्यावृत्ति करवाने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। वेश्यावृत्ति के कारण नारी जगत का अपमान होता है, वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन में वृद्धि होती है, नैतिक पतन होता है, आर्थिक हानि होती है, यौन रोगों में वृद्धि होती है। अतः मानवता का यह तकाजा एवं नैतिकता की मांग है कि वेश्याओं को इस कुकर्म से रोककर नारी जाति के प्रति किए जाने वाले इस अपराध से नारी की रक्षा की जाए। इस प्रकार से वेश्यावृत्ति भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक स्वरूप है जो समाज में प्रकट और अप्रकट दोनों स्वरूप में पाया जाता है। प्रकट स्वरूप में जो अभी अभी हमने चर्चा की, रेड लाइट एरिया में जो वेश्याएं कार्य करती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं उनको हम शामिल करते हैं, लेकिन इसका अप्रकट स्वरूप भी समाज में विद्यमान है। और प्राचीन समय में जो देवदासी प्रथा पाई जाती थी वह भी इसी का स्वरूप है, लेकिन अब ये मांग है कि जो इस प्रकार के कार्य में संलग्न स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं उनको इस कुकर्म से रोककर इस अपराध को समाज से समाप्त कर देना चाहिए।
इसके नेक्स्ट जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का स्वरूप है उसमें है नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है और यहाँ लड़की की तुलना में लड़कों को सदैव से महत्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र प्राप्ति आवश्यक माना गया है क्योंकि वही पुत्र श्राद्ध एवं तर्पण द्वारा मृत पिता एवं पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाता है। इस प्रकार की अवधारणा हमारे धर्म ग्रंथों में है, प्रारंभ से समाज में चली आ रही है और इसी अवधारणा का पालन समाज में हो रहा है। उत्तराधिकार की दृष्टि से भी पुत्र का होना आवश्यक है, किंतु कई बार किसी परिवार में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर लड़की के पैदा होते ही उसे मार दिया जाता है, जो कि नारी हत्या का ही एक स्वरूप है। नारी हत्या हमें प्रकट और अप्रकट कई रूपों में देखने को मिलती है, जैसे माता के गर्भ में ही नारी शिशु को मार देना या जन्म के बाद उसे मार देना, दहेज के लोभ में बहू को जला देना अथवा पीट पीट कर मार देना, उसका उत्पीड़न करना या ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें वह विवश होकर आत्महत्या कर ले, जहर देकर मार देना, गला घोंट देना आदि सभी नारी हत्या के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। नारी हत्या का अप्रत्यक्ष स्वरूप वह है जिसमें नारी शिशु के पालन पोषण एवं चिकित्सा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता और इस कारण से वे मौत का शिकार हो जाती हैं। वैज्ञानिक प्रकृति ने मानव को हजारों सुख सुविधाओं के साधन दिए हैं। आज हम माता के गर्भ में जांच करवा लेते हैं जिसके द्वारा यह पता लगता है कि जो भ्रूण है या उत्पन्न होने वाला जो शिशु है वह लड़का है या लड़की है। इस प्रकार की जांच से यह पता चलता है कि भ्रूण लड़की का है। तो ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है, इस वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया और यदि भ्रूण लड़की का होता है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं, जो भ्रूण हत्या कहलाती है। लड़के की चाह में लड़की की हत्या मानवता के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। आज के युग में तो लड़का व लड़कियां सभी समान है। वास्तव में जो स्थितियां देखने व सुनने में आती हैं उनके अनुरूप लड़कों की तुलना में लड़कियां ही माता पिता की अधिक सेवा करती हैं। विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम हमें यह बताते हैं कि योग्यता सूची में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। आज जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों को दक्षता से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अतः लोगों के मन से यह भ्रम निकालना अनिवार्य है कि पुत्र प्राप्ति आवश्यक है और उसकी चाह में किसी भी रूप में नारी हत्या अमानवीय है, नैतिकता व कानून के विरुद्ध अपराध है। नारी हत्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान कम नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो नारी ही नारी की दुश्मन है। इसलिए सर्वप्रथम तो नारी को ही नारी के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उठ खड़ा होना होगा, तभी समाज इस कार्य में महिलाओं की सहायता करेगा। क्योंकि अगर नारी इस तरीके का अपराध नहीं करती हैं तो इन अपराधों में कमी आने की संभावना है। अगला स्वरूप है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का छेड़छाड़। नारी के विरुद्ध अपराधों में छेड़छाड़ भी एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। महाविद्यालयों के परिसर में, रेल और बस में, बाजारों में मनचले एवं उद्दंड किस्म के लड़कों द्वारा लड़कियों को भद्दे और गंदे इशारे किए जाते हैं, उन पर फब्तियाँ कसी जाती हैं, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनको छूने का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें नोचने या उनके चिकुटी काटने, नाखून चुभोने जैसी गंदी हरकतें की जाती हैं। कभी कभी ऐसे लोगों की सार्वजनिक रूप से जनता द्वारा पिटाई भी कर दी जाती है या पुलिस की गिरफ्त में आने पर
उनकी अच्छी खासी मरम्मत भी हो जाती है। इस प्रकार की गुंडागर्दी बड़े शहरों में अधिक देखने को मिलती है। ऐसी घटनाओं के विरोध में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें कई बार नारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन भी किए जाते हैं। गुंडागर्दी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु अभियान भी चलाए जाते हैं, किंतु कानून की लंबी और थका देने वाली महंगी प्रक्रिया के कारण सज्जन व्यक्ति इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते और इससे गुंडों के हौसले और बुलंद होते हैं। नारी के प्रति छेड़छाड़ की घटनाओं को सिनेमा एवं कैंपस जैसे सीरियलों से ही अधिक बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इनमें प्रदर्शित अच्छाइयों से नहीं वरन बुराइयों से लोग अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्वयं लड़कियों को ही अपने आप को समर्थ बनाना होगा, जैसे जूडो कराटे सीखकर आत्मरक्षा के उपाय करने होंगे, समूह बनाकर ऐसे गुंडों से उन्हें निपटना होगा। सब कुछ सरकार, पुलिस और कानून पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। नारी के विरुद्ध ये जो उपयुक्त अपराध हैं जिनकी हमने चर्चा की, इसमें अनेक स्वरूप हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की छेड़छाड़, विधवाओं के प्रति हिंसा, वैश्यावृत्ति, भगा कर ले जाना या अपहरण करना, दहेज हत्या, पत्नी को पीटना और सबसे घिनौना अपराध बलात्कार। तो ये सभी जो अपराध हैं, ये सभी अपराध नारी के विरुद्ध हिंसा है। नारी के विरुद्ध उपयुक्त अपराध एवं बढ़ती हिंसा के अतिरिक्त भद्दे और भोंडे विज्ञापनों में नारी को नग्न एवं अर्धनग्न चित्रों के द्वारा वस्तुओं को बेचने का प्रयास भी नारी की मजबूरी का लाभ उठाना ही है। इसी प्रकार से होटलों में उनसे कैबरे नृत्य करवाना भी अप्रत्यक्ष रूप से नारी की देह का शोषण ही है, किंतु इन सब के लिए हम मात्र पुरुष को ही उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, स्त्री भी कम जिम्मेदार नहीं है। अतः सबसे पहला प्रयास स्वयं नारियों को ही अपने को संयत करके व नैतिक बना करके करना होगा, तभी ये जो अपराध हैं ये समाज से मिट पाएंगे। सभी को इसके लिए सम्मिलित प्रयास करने होंगे, स्वयं नारी को, पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलकर और समाज को अपनी मानसिकता बदलकर इन अपराधों पर रोक लगानी होगी। अब ये जो अपराध हैं, इन अपराधों में या इन ये जो हिंसा है महिलाओं के विरुद्ध, इस हिंसा की शिकार जो महिलाएं हैं उसमें किस प्रकार की महिलाएं शामिल हैं, जिन महिलाओं के साथ ये अपराध किए जाते हैं, जिनके विरुद्ध हिंसा होती है, उनमें लगभग गरीब, असहाय एवं अवसादग्रस्त होती हैं, जो स्वयं अपनी नज़रों में गिर चुकी हैं तथा उनके प्रति किए गए अपराध एवं हिंसा के कारण भावात्मक रूप से विघटित हो चुकी हैं, या फिर वे महिलाएं जो विघटित परिवारों में रहती हैं, जिन पर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता है जिससे उनमें अनेक प्रकार की कुंठाएँ पाई जाती हैं। कुछ महिलाएं मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता का अभाव उनमें पाया जाता है, वे इस हिंसा की शिकार होती हैं। अन्य महिलाओं में ससुराल पक्ष के लोग जो विकृत व्यक्तित्व वाले होते हैं या फिर जिनके पति शराबी एवं नशेबाज होते हैं, इस प्रकार की महिलाएं जो हैं वो इन हिंसा के जो विभिन्न स्वरूप हैं इन स्वरूपों की शिकार होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।